मिल गया भाई साहब टिकट है, कुछ इस तरह टिकट है इसका। और ये फवारा इस साइड से दिख रहा होगा, काफ़ी यूनिक है। फवारे से थोड़ी थोड़ी बूंदें निकल के आ रही है ऊपर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी फवारा चालू हुआ है, दो मिनट हुआ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एंट्री हुई है। अंदर का व्यू कुछ इस तरह है, ये अंदर बैठे हुए लोग काफ़ी बंदे बैठे हुए हैं, और ये जो डुमस टाइप का बना हुआ है ये धूप के कारण नीचे बैठे हुए लोग, और धूप काफ़ी तेज़ है और इस वजह से घूमने के लिए काफ़ी कम लोग आए। इतने समय शाम के समय काफ़ी लोग आते हैं और इतने समय थोड़ा कम, और ये सब लड़कियाँ अभी टिकट कटा के अंदर ही आई हैं, ये भी लग रही काफ़ी दूर की हैं, तो हम भी देखने आए हैं जो तो सो देखने देखेंगे ही। ये मेन पॉइंट है जो कि अभी मेन पॉइंट से दिखा रहा हूँ, ये व्यू काफ़ी यूनिक और काफ़ी दूर तक फैला हुआ व्यू, दूर से ही एकदम अच्छा दिख रहा। और ये गुम्बज में अभी जाने वाला हूँ तो दिखाएंगे अभी गुम्बज के अंदर। अभी हम लोग हैं यहाँ पे, ये मेन पॉइंट से सेकंड हिस्सा है और यहाँ पे लाइटें लगी हुई हैं, अभी हम नीचे दिखा रहे हैं आप सबको। ये देखिए ये रात में जलती हैं और काफ़ी अच्छा लगता है, हम दिन में ही आप सबको दिखा रहे हैं क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। और हम जा रहे हैं लुधियाना, और ये देखिए सूरज एकदम इस बीच पॉइंट पे आया है, इसी दोनों गुम्बज में अभी जाएंगे हम लोग, तो चलते हैं इस तरफ। अभी मैं थोड़ी देर पहले गूगल करके चेक करा, पता लगा विकिपीडिया पे इसका सारा ब्यौरा पड़ा हुआ है, जिसको देखना है चेक कर सकता है। लखनऊ में आए तो ज़रूर घूम के जाए, क्योंकि यहाँ का ज़्यादा टिकट तो है नहीं, 15 रुपये टिकट है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बंदे आए और घूम के जाए यार, अच्छा व्यू है यहाँ का। ये 2008 या 2009 में बना हुआ था अम्बेडकर पार्क, यहाँ का मशहूर जगह है, जो कि इससे बड़ा एक पार्क है वो जौनेश्वर पार्क है, 376 एकड़ में फैला हुआ। उसमें गया था, मुझे कुछ खास दिखा नहीं, इस वजह से इसमें आया हूँ। लाइट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय है यहाँ पे लिखा है, और ये ऐसा जगह है। ये दिख रहा होगा आप सब, ये देख लें और तब हम अंदर चलते हैं। ये हो चुकी है एंट्री और आगे हम सीढ़ी पे, ये रहा यहाँ का व्यू भाई, ये दरवाजा देखना भाई, क्या बात है, कितना बढ़िया यार यहाँ का व्यू। यहाँ पे गार्ड लगी है लेडीज, ये बहन कुमारी मायावती जी का स्टैचू, और ये बौद्ध। ये आ गया अंदर भाई, काफी तगड़ा है यहाँ, ये रहा अच्छा लग रहा है। ये ज्योतिबा फुले, कुछ इतिहास की बात है, भारतीय इतिहास, 15वीं शताब्दी का महत्व। ये हो गया एंटर, और ये रहा अंदर का सीन।
जो काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। और ये बहन कुमारी मायावती जी, और ये सब बहुजन समाज के लोग हैं जो कि ये मेरे साथ के हैं जो सामने दिख रहे हैं। ये और मैं और एक और हैं जो मेरे साथ में हैं। ये ऊपर की नक्काशी जो दिख रही है काफ़ी यूनिक है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है और काफ़ी बढ़िया बनाया गया है इसे। आप सब चाहें तो देख सकते हैं इसे आके, काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया और काफ़ी दूर में फैला ही है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बाहर काफ़ी धूप है, यहाँ भी ये लाइटें लगाई गई हैं नीचे जो दिख रहा है, काफ़ी बढ़िया लाइटें हैं। नाइट के समय काफ़ी उजाला करता है ये लाइट। और ये दूसरी तरफ अब जा रहे हैं हम, ये रथ द्वार जो कि अंदर की तरफ जाता है, ये जो दूसरा वाला गुम्बद है उसमें जा रहे हैं अब हम, एंटर होने हैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लगी हुई है, हर जगह सिक्योरिटी गार्ड है क्योंकि बाहर के अभी शाम के टाइम काफ़ी सिक्योरिटी गार्ड होंगे बता रहे थे, मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा भी था। और ये रहा दरवाज़ा जो कि काफ़ी ऊंचा दरवाज़ा है, ये लगभग 6 से 7 इंच मोटा होगा और लगभग ऊंचाई होगी 20 फीट, 20 क्या लगभग 30 फीट के आसपास होगी, काफ़ी ऊंचा दरवाज़ा है। और मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं जानता, बट जितना बताया गया है उतना ही जानता हूँ। ये दूसरी तरफ जा रहे हैं फिर से, इसका मैंने क्षेत्रफल चेक करा तो 108 एकड़ में फैला हुआ है ये, और काफ़ी दूर तक हवा काफ़ी अच्छी लग रही है, धूप काफ़ी तेज़ है फिर भी कोई दिक्कत ना हो रही है। अभी हम हाथी की तरफ जाएंगे और दिखाएंगे कैसा व्यू है वहाँ का। और आप यहाँ से देख लीजिए, ये चौक है मेन यहाँ का बिल्ड करने वाला, ये मेन दिख रहा है मुझे ये वाला किनारा। फ्रीजर लगा है तगड़ा भाई, काफ़ी ठंडा पानी आता है यहाँ पे फ्रीजर पे। और वो एंट्री गेट है जो सामने दिख रहा है, अभी अभी हम लोग एंटर हुए वहाँ से। और अब आ गए यहाँ पे, अभी यहाँ से थोड़ी देर पहले गए। ये पौधा रहा बीच में पीपल का, काफ़ी लोग इसके नीचे बैठे हुए हैं, अच्छा लगता होगा भाई ठंड में काफ़ी, इतनी धूप में पीपल का पेड़ छांव अच्छा देता है, इस वजह से बन गया। अभी इसके अंदर चलेंगे, ये जो सामने दिख रहा है, ये जो सामने दिख रहा है इसके अंदर एंटर होने वाले हैं, अंदर घुस जाते हैं उसके बाद दिखाते हैं। उससे पहले ये देख लो, ये कितना बढ़िया लगाया यार, क्या मस्त लग रहा है, सब पत्थर लगाए यहाँ पे, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सब पत्थर लगाए यहाँ पे, काफी यूनिक है देखने में तो अच्छा ही लग रहा है यार यहाँ पे। और उस साइड का सीन तो और जबरदस्त है। और ये सामने अभी थोड़ी देर बाद जाऊँगा तो लास्ट वाला सीन दिखाऊंगा, अभी एंटर होने वाला हूँ इसमें। इधर से नहीं, उधर से चलते हैं, आओ उधर से चलते हैं। ये रहा हाथियों का नज़ारा, दूर से कुछ ऐसा दिख रहा, और ये रहा ऐसा अभी जिसके अंदर जिनकी मायावती जी की स्टैचू था, और भी हमारे पूर्वज जो भारत के इतिहास में काफ़ी जाने जाते हैं उनके स्टैचू अंदर था। निकल के आया अभी बाहर, अब हम चलते हैं उस तरफ। वहीं जाना है ऊपर, जाना है ऊपर।
वहाँ कुछ छोटे छोटे में दिख रहा होगा लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन दृश्य स्थल। तो हम जा रहे हैं वहीं पे देखने क्या है उसके दृश्य स्थल में। ऐसा कुछ है नहीं, बट फिर भी आ गए हैं हम लोग ऊपर, पता नहीं था ऊपर क्या है। तो भाई अब आ जा रहे हैं हम लोग नीचे। आओ, ये रहा हाथियों का कलेक्शन भाई साहब, हाथियाँ बनी है काफ़ी दूर तक, तो हम अभी काउंट करके बताएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि अभी घूम रहे हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से काफ़ी दूर में है। और उधर पीपल के पेड़ लगाए गए जितने भी हैं, काफ़ी अच्छा काम करा गया है। फिर भी यार कुछ लोग लगता है कि कुछ गलत हुआ है, तो इस वजह से मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को हटा दिया गया। यहाँ घूमने लायक तो मुझे यही दिख रहा है। अभी एक पार्क में और गया था तो वहाँ पे कुछ खास नहीं था, एक स्टैचू है मुलायम सिंह यादव का और कुछ खास नहीं है। यहाँ पे तो भाई मूर्ति मूर्ति, अभी मेन चीज़ तो दिखाई नहीं आप सबको, वो रहा गौतम बुद्ध की एक स्टैचू, काफ़ी तगड़ी है, अभी वहाँ पे भी जाएंगे। और ये जो कलेक्शन दिख रहा हाथियों का काफ़ी दूर तक है, तो हम दूर तक नहीं जाएंगे, तो काउंट करके बता देंगे। ये रहा हाथी, एक हाथी का पूरा हिस्सा दिखा देते हैं आप सबको। ये लाइटें लगी हुई हैं इसके साइड साइड में। ये रहा हाथी, काफ़ी अच्छी बनाई गई है यार, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई गई है। और ये रहा गौतम बुद्ध जी का, धूप काफ़ी है भाई। ये रहा, अभी ड्रोन तो है नहीं मेरे पास कि पूरा व्यू दिखाऊं। यहाँ पे कुछ लोग छांव में बैठे हुए, ये रहे बहन जी, और बहुत से ऐसे लोग हैं। ये लगाई गई है, देखने लायक है, बंदे काफ़ी वहाँ पे बैठे हुए हैं, छांव वहाँ पे थोड़ा मोड़ा पेड़ दिख रहा होगा कोने में। और ये सब हाथियाँ, और अभी जा रहे हैं, ये जो सामने मेन फ्रंट पे था उसी के अंदर घुसेंगे और अंदर दिखाते हैं क्या है। यहाँ से मुझे लग रहा है एक प्रवेश द्वार है, दिख रहा होगा, ये जूम करने पर दिख रहा होगा, ये ऐसा है, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लगाया गया है। और अंदर की तरफ हम लोग चलते हैं, हम क्योंकि उस द्वार से आए थे वहाँ से, अभी हम उसी साइड जा रहे हैं। ये रहा फवारा जो शाम को चालू होगा, काफ़ी दूर तक है और हमें फवारा से उस साइड घूम के जाना पड़ेगा, हमें पता नहीं था तो हम इस साइड से चले आए, कोई बात नहीं। ये उस साइड का हिस्सा है जहाँ पे अभी हम लोग गए थे,
और ये रहा हाथी वाला व्यू, वहाँ से वहाँ तक हाथी सब हैं। ये ख़त्म हो रहा एरिया, तो हम जा रहे हैं, हमको जाना इसी में है। ये एरिया काफ़ी बड़ा है और इसमें घूम के आते हैं यार। इसी को तो घूमने के लिए मैं लास्ट में रखा था कि मैं लास्ट में घूम के आऊँगा इसमें, तो हम अभी इसमें एंटर होने ही वाले हैं। काफ़ी धूप है भाई, थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। ये पहुँच जाए एंटर पे, यहाँ पे कुछ इस तरह का गार्डन बनाया है और उस साइड भी है गार्डन, बैठा हूँ अंदर जाने ही वाले हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिषद स्थल, तो इसमें एंटर होने वाले हैं। ये रहा एंट्री गेट, एक हाथी इस तरफ और एक हाथी इस तरफ। यहाँ थोड़ा शांत फील हो रहा है और यहाँ लाइटें लगाई गई हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और ये रहा हाथी का भी इस साइड, गौतम बुद्ध। और ये सामने फ्रंट पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने पे। और ये रहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मुझे लग रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और ये रहा इनका सबसे तगड़ा स्टैचू यहाँ का, बढ़िया लग रहा है यहाँ पे यार, अच्छा लग रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे काम करते थे, ऐसे ही कुछ काम करते थे। यहाँ का फुल स्टैचू और ये इनका फैमिली, इनकी फैमिली, इनके पास एक डॉगी भी था। और ये रहा यहाँ का कुछ खास आर्किटेक्चर। और ये रहा पूरा इसका व्यू, जो नक्शा है इसका, इस पार्क का नक्शा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल लखनऊ का, ये पूरा ब्यौरा है इसका। नीचे लाइटें काफ़ी अच्छी लगाई गई हैं यहाँ पे, देखने लायक है। और दिन के काफ़ी दिन के एक